हेलो गाइस, वेलकम इन आर ऑडिट डिस्कशन। आई एम सीए कपिल गोयल और इस वीडियो के अंदर बेटा मैं डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाइनल रेगुलर कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल। ये वीडियो उन सभी बच्चों को देखना बहुत जरूरी है जिन्होंने अभी पिछले 1 मंथ में या 2 मंथ में मेरा सीए फाइनल रेगुलर कोर्स खरीदा है, या जो बच्चे आने वाले टाइम में मेरा रेगुलर कोर्स खरीदने की सोच रहे हैं या लेंगे। मान लीजिए आप नवंबर 20 के लिए मेरा रेगुलर कोर्स लेने की सोच रहे हैं, मई 21 के लिए, नवंबर 21 के लिए, मई 22 के लिए, मतलब ये मेरे स्टूडेंट्स को ये वीडियो देखना मैंडेटरी है। बाकी इसके अलावा कोई बच्चा इसे देखे या ना देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वीडियो में मैं एक डिस्कशन करूंगा फ्री इंग्लिश कोर्स के बारे में जो मैं यूट्यूब पर लाइव लेने वाला हूँ। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट दैट। तो ये वीडियो वो बच्चा जरूर देखे जिसने मेरा कोर्स लिया है या जो बच्चा मेरा कोर्स लेने की सोच रहा है। सीए फाइनल रेगुलर कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्स, बूस्टर कोर्स, स्पेशल ऑडिट, हर बच्चे को ये देखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं सब कुछ बच्चों को गुड इवनिंग जरूर, गुड आफ्टरनून जरूर बोलना चाहूंगा। और बिना टाइम वेस्ट किए मेरे को ये वीडियो बनाना है। ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि काफी बच्चों को क्लियर नहीं है कि कोर्स कैसा रहने वाला है, कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी क्वेरीज बढ़ गई है। तो वो सारी क्वेरीज मैं आपकी यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। शुभम, तिलक, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून बेटा। तो सबसे पहले देखिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन चर्चा स्टार्ट करते हैं। और आप अपने क्वेश्चन जरूर लिख लीजिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो नोटपैड पे जरूर लिख लीजिएगा, ताकि मेरा लाइव आने का पर्पज ही यही है ताकि बच्चों की अगर कोई और एडिशनल क्वेरीज हैं तो वो मैं ले लूँ। तो सबसे पहले भैया आप मेरे बारे में जानना चाहोगे, हालांकि मैं टेलीग्राम ग्रुप पे एक डिटेल में मेरी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल लोडेड विद कपिल, वहाँ पे एक पीडीएफ जरूर शेयर करूंगा, उसको आप जरूर रीड कीजिएगा। तो मेरे बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो आई एम सीए कपिल गोयल, आई कंप्लीटेड माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स एट द एज ऑफ 22 इयर्स। 22 साल का था जब मैं सीए बन गया था। एंड आई कंप्लीटेड माय आर्टिकलशिप विद एसएस कोठारी मेहता एंड कंपनी। एंड इन 2013 बिगनिंग आई ज्वाइंड केपीएमजी इन द ऑडिट डिवीजन ओनली। फ्रॉम 2013 टू 2018 एंड लाइक आई वर्कड टिल 15th नवंबर 2018। माय लास्ट जॉब वाज विद ईएनवाई। So I worked approximately 13, 14, 15, 16, 17, 18, complete 6 years with the Big Four, and apart from that 3 years with the SS Kothari Mehta and Company. And now I am a partner, but now I cannot disclose the name of the firm. So now I am the partner in one very good firm. We are dealing with the Japanese client, internet, like we have clients from the Big Four. Big Four unka stat audit karta hai, hum usko support services provide karte hain. तो करंटली आई एम ऑल्सो द पार्टनर इन वन ऑफ द फर्म, बट मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता ड्यू टू प्रोफेशनल एथिक्स। तो ये मेरे बारे में मैंने कुछ लिखा है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट किए अपने इस 8-10 साल के करियर में। मैंने अगर मैं कुछ अपने बड़े बड़े क्लाइंट बताऊं तो जिंदल स्टील्स एंड पावर लिमिटेड, भूषण स्टील्स, मोनेट इस्पात, होंडा कार, वर्धमान, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ANE, सर सादीलाल, मारुति सुजुकी। Basically, I am into statutory audit, and earlier for 4 years I did internal audit. I did 2 or 3 assignments for forensic audit as well. I have identified some frauds. And apart from these three companies like KPMG, ENY, and SS Kothari Mehta and Company, I got some offers from Deloitte for assistant manager position, Continental Tire, अगर आप लोग कुछ जानते हैं तो वहां मुझे ऑफर मिला था। थर्ड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में आप लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो, तो मुझे 2 ऑफर मिले थे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। एक तो GSK, जिसको आप ग्लेक्सो स्मिथ एंड क्लाइन के नाम से जानते हैं, और एक भारत पेट्रोलियम। दोनों ही ऑफर मैंने नहीं ज्वाइन किया था ड्यू टू वो बहुत कम लीव देते हैं आपको फाइनल एग्जाम के लिए 1 मंथ का, बट आई नीड सम मोर लीव्स, तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद मैं सीए बनने के बाद एक मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसका नाम था मैक्स हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस। इसके बारे में मैंने अपने लेक्चर में बताया, काफी डिटेल चर्चा की है, क्योंकि ये बहुत स्पेशल था मेरे लिए मैक्स हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस। तो ये मेरे बारे में मैंने थोड़ा सा बताया है इसके अंदर। अब बताते हैं कोर्स के बारे में। सर आपके बारे में क्यों बताया? वो इसलिए बताया बेटा जो आपको ऑडिट पढ़ाने वाला है एटलीस्ट उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो ऑडिट आपको पढ़ा भी पाएगा या नहीं पढ़ा पाएगा। देखिएगा जो मैं बताने वाला हूं, तो बेसिकली मैं आपको ऑडिट इसलिए पढ़ा रहा हूं बेटा क्योंकि मेरे को 8-10 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, और आई फील कि मैं आपको अच्छे से उस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकता हूं आपके साथ। अब बात करते हैं कोर्स की। सेकंड टाइम मैंने बनाई है अबाउट कोर्स, तो पहले ध्यान से सुनिएगा और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। दीज विल बी फेस टू फेस एंड स्टूडियो रिकॉर्डिंग। मैं दोनों क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी मेरे 7 से 8 लेक्चर हो चुके हैं जो कि फेस टू फेस क्लास में हुए थे, लेकिन कोरोना वायरस के चक्कर में वो क्लासेज अब
होल्ड हो गई है। हमारे मोदी जी ने कहा है कि 15 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा, तो मैं 15 अप्रैल तक तो वेट करूंगा, और 15 अप्रैल तक अगर लॉकडाउन नहीं ओपन होता है तो मैं स्टूडियो में अपने घर से ही मैं आगे के लेक्चर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ओपन होता है, मान लीजिए लॉकडाउन 30 अप्रैल को ओपन हो गया, तो मैं क्या करूंगा, 1 मई से ही वापस से फेस टू फेस लेना स्टार्ट कर दूंगा। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर मैं आपको टोटल 45 लेक्चर देता हूं, तो उसमें आपको 20 लेक्चर तो मिलेंगे फेस टू फेस के, और बाकी मिलेंगे आपको स्टूडियो रिकॉर्डिंग। और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही और लॉकडाउन अगर 15 अप्रैल को ओपन हो गया, तो फिर आपको 100% लेक्चर फेस टू फेस क्लासेस मिलेगी। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है लॉकडाउन के ऊपर। अगर लॉकडाउन चलता रहा तो मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड करता रहूंगा, जिस दिन बंद खुल गया उस दिन मैं फेस टू फेस लेना स्टार्ट कर दूंगा। मेरे बच्चे आ जाएंगे, उन पर मेरे को भरोसा है। तो पहली बात तो जो थी वो सबसे मेन ये थी कि भैया ये जो कोर्स रहने वाला है ये फेस टू फेस और स्टूडियो रिकॉर्डिंग रहने वाला है। अच्छी बात ये है कि मैं ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रिकॉर्ड कर चुका हूँ फेस टू फेस में, तो आपको उसका तो भरपूर फेस टू फेस का एक कंप्लीट डिस्कशन बेस्ड क्लासेस मिलने वाली है। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपका वो ये कि इसमें 45 लेक्चर्स होंगे तकरीबन 130 आवर्स के, और इसमें रिविजन लेक्चर आपको अलग से मिलेंगे। मतलब मैं आपको पूरे कोर्स के रिविजन लेक्चर जरूर दूंगा, लेकिन वो अलग रहेंगे। उन लेक्चर को अभी मत देखना, जैसे अगर आप अभी मेरे लेक्चर ले रहे हो तो अभी 45 लेक्चर देखना, उन लेक्चर को संभाल कर रखना एग्जाम के आसपास, या जब आपकी की एक्सपायर होने वाली हो ना तब पूरा कोर्स रिवाइज करना। उससे क्या फायदा होगा, आपका पूरा कोर्स एक बार फटाफट से रिवाइज हो जाएगा। तो ये रिविजन लेक्चर्स आपको फ्री मिलेंगे, आपसे कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लिया जाएगा, ये रेगुलर कोर्स के आखिरी में ही आपको दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन बात इस कोर्स की जो है वो ये कि आईसीआई के 100% क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आईसीआई स्टडी मटेरियल का पास्ट ईयर का, क्लास में ही कवर करवाया जाएगा, क्लास में ही कवर होगा। मतलब सबसे पहले हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम पूरा क्वेश्चन बैंक करेंगे, सारे एमसीक्यूज करेंगे। आप चाहें तो इन क्वेश्चन बैंक की वीडियो और एमसीक्यू की वीडियो मल्टीपल टाइम देख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने YouTube पे एक प्लेलिस्ट बना दी है और सारे लेक्चर्स क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू के मैं YouTube पर भी डालूंगा, जिससे कि आप मल्टीपल टाइम वहां पर क्लासेस देख सकते हो और आप इंजॉय कर सकते हो। हमारे गुरुजी ने हमें ज्वाइन किया है, विजय साडा सर की जय हो। तो क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू की आपको 100% वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगी, सबसे मेन बात, ठीक है। और इस कोर्स में आपको क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू की वीडियो साथ साथ मिलेगी। इसका मतलब यह है कि आपको सेल्फ कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ मैं करवा के दे रहा हूं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा वो कलरफुल स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, चार्ट बुक मिलेगी। तो बेसिकली आपको आईसीआई का जो पूरा मटेरियल होता है उसको मैं समराइज करके बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करके आपको दूंगा। इसके साथ साथ आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा और एक चार्ट बुक मिलेगी। अब बात कर लेते हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं लॉकडाउन पीरियड में और अभी आप अगर लेक्चर लेना चाहते हैं, तो जो लेक्चर अवेलेबल होंगे वो तकरीबन 20th अप्रैल से अवेलेबल होंगे, लेकिन ऑलरेडी 6-7 लेक्चर्स अवेलेबल है ऑनलाइन डाउनलोड मोड में जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गए थे, अब वो देखना चाहें देख सकते हैं। बताऊं कि मैं अपना जो फर्स्ट मॉड्यूल है जिसके अंदर आपके तकरीबन 12 से 13 लेक्चर कवर हो जाएंगे, वो मॉड्यूल मैं ऑलरेडी पीडीएफ में अवेलेबल करवा चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आज आप लेक्चर खरीदते हैं तो आपके पास एक पीडीएफ अवेलेबल है, आप आराम से 13 लेक्चर देख सकते हैं। तो 20 अप्रैल से अगर मैं मानूं तो 30 अप्रैल तक का काम आप आराम से कर सकते हो। 30 अप्रैल तक मैं डिसाइड करूंगा, या तो लॉकडाउन ओपन हो जाएगा तो मैं आपको हार्ड कॉपी बुक डिस्पैच करवा दूंगा, अगर लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं अगर अपनी मेरे को दूसरा मॉड्यूल भी ओपन करना पड़ा तो मैं दूसरा मॉड्यूल भी आपके लिए पीडीएफ में ओपन कर दूंगा। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी घबराने वाली इसमें बात नहीं है। लेकिन मान के चलिएगा क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू मैं ओपन नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू की वीडियो यूट्यूब पर है तो सारे क्वेश्चंस आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, आप अपनी पेन ड्राइव क्लास में भी देख सकते हो, क्वेश्चन दिखेगा, उसकी आपको हार्ड कॉपी ही मिलेगी जब वो लॉकडाउन ओपन हो जाएगा। और मैनेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वी स्मार्ट एकेडमी अगर ये डिसाइड करती है कि हम क्वेश्चन बैंक को डिजिटल फॉर्म में देने वाले हैं तो हम डिजिटल फॉर्म में भी देंगे, और अगर ओपन करने की नौबत आई तो मैं ओपन भी कर दूंगा, वो सारा मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पूरे डिजिटल नोट्स वगैरह के बारे में मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अभी अपडेटेड क्लास की बात कर रहा हूं, मैं नई क्लासेस की बात कर रहा हूं। तो ये तो हो गया कि मैं पीडीएफ आपको जो है पीडीएफ अवेलेबल है फॉर मॉड्यूल 1 का एंड बी प्रोवाइडेड इन डिजिटल फॉर्म। आज के दिन ही मॉड्यूल 2 आपको डिजिटल फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है उसकी नौबत नहीं आएगी क्योंकि स्टार्टिंग के 13 लेक्चर का मटेरियल तो आपके पास पीडीएफ में है ही है। उसके बाद या तो आपको डिलीवरी कर दी जाएगी या हम उसको भी ओपन कर देंगे।
उसके बाद देखिए, हम आपको हार्ड कॉपी बुक्स डिस्पैच करेंगे जैसे ही लॉकडाउन ओपन हो जाएगा. जैसे ही वंस लॉकडाउन इज ओपन, वी विल सेंड यू द हार्ड कॉपी ऑफ द मटेरियल. और ये जो कोर्स एप्लीकेबल है, ये नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल है और उसके बाद वाले एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है. मई 21, नवंबर 21, मई 22 के बच्चे भी देख सकते हैं. और यहाँ पे आपको ऑनलाइन डाउनलोड में क्लासेस जो मिलेंगी वो 20 अप्रैल से, और पेन ड्राइव 30 अप्रैल से अगर लॉकडाउन ओपन हो जाता है तो. ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर कोई बच्चा अभी जून में क्लास एग्जाम दे रहा है, अगर कोई अभी जून में एग्जाम दे रहा है तो आपके लिए ऑलरेडी पूरा कोर्स अवेलेबल है, वो आप ले सकते हो. अभी मैं 2 मिनट के बाद आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूँ वेबसाइट पे. इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ्स की है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन. काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मैं जिस दिन परचेज करूंगा क्या उसी दिन से 6 मंथ की वैलिडिटी काउंट होना स्टार्ट हो जाएगी. ऐसा नहीं है, जिस दिन आप लेक्चर को एक्टिवेट करते हैं उस दिन से 6 मंथ का आपका वैलिडिटी रहेगा. नंबर ऑफ व्यूज जो है वो 1.5 व्यू है. 1.5 व्यू का मतलब ये है कि अगर मेरी कोई क्लास 3 आवर्स की है तो आप उसको 4.5 आवर्स तक देख सकते हैं. आप वीडियो को 50 बार ओपन करके बंद करो, खेलते रहो, कूदते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका व्यू काउंट नहीं होगा. व्यू आपका टाइम के हिसाब से है. जब आप पूरा उसको 4.5 घंटे देख लोगे तो आपका व्यू काउंट माना जाएगा. ठीक है, इंग्लिश पे भी आऊंगा एट द एंड. एक बच्चा बोल रहा है इंग्लिश पे इसके बाद में बात करेंगे. लेक्चर जो प्ले हो सकते हैं वो लैपटॉप में हो सकते हैं, डेस्कटॉप में हो सकते हैं, एंड्रॉइड डिवाइस पे हो सकते हैं. मतलब अगर आपके पास लैपटॉप है आप आराम से लेक्चर को प्ले कर सकते हैं, डेस्कटॉप है आराम से प्ले कर सकते हैं, एंड्रॉइड डिवाइस है तो भी आप कर सकते हैं. यहाँ पे मैं आपको एक मेन बात बताना चाहूंगा, जो डिजिटल नोट्स होते हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ. डिजिटल नोट्स का मतलब ये कि आपकी एक ही स्क्रीन पे, आधी स्क्रीन पे लेक्चर चलता रहेगा, आधी स्क्रीन पे आपका नोट्स आ जाएंगे, बुक ओपन हो जाएगी, इसे डिजिटल नोट्स बोलते हैं. तो डिजिटल नोट्स जो है वो लैपटॉप पे ओपन हो सकता है, डेस्कटॉप पे ओपन हो सकता है, एंड्रॉइड डिवाइस में डिजिटल नोट्स ओपन नहीं होंगे. दोबारा बोल रहा हूँ, एंड्रॉइड डिवाइस में डिजिटल नोट्स ओपन नहीं होंगे. तो जो बच्चा एंड्रॉइड मोबाइल में अगर लेक्चर देख रहा है तो उसको ओपन पीडीएफ से ही अपना काम चलाना पड़ेगा. मतलब एक बार अगर वो स्क्रीन पे, अगर मान लो लेक्चर देख रहा है तो उसे पीडीएफ किसी दूसरे मोबाइल पे देखनी पड़ेगी, सेम डिवाइस पे वो पीडीएफ नहीं देख पाएगा. तो एंड्रॉइड वाले बच्चे को चैलेंज आने वाला है जब तक उसके पास हार्ड कॉपी मटेरियल नहीं आता है. मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप एंड्रॉइड में लेक्चर लेते हो तो आपको दिक्कत आने वाली है. क्यों? क्योंकि आपके एंड्रॉइड पे नोट्स ओपन नहीं होंगे जब लेक्चर चलेगा, तो आपको एक दूसरे मोबाइल पे नोट्स ओपन करना पड़ेगा, या आप पूरा लेक्चर देख लो बाद में नोट्स से पढ़ना, तो दिक्कत आने वाली है. एंड्रॉइड में आप तभी लेना लेक्चर को जब आपके पास मोबाइल और डेस्कटॉप नहीं है और बिल्कुल मतलब पानी सर से ऊपर है तभी लेना, अदरवाइज एंड्रॉइड में मत लेना. मैं तो यही बोलूंगा. हमारे वीस्मार्ट एकेडमी के जितने भी प्राइजेस होते हैं सारे जीएसटी इंक्लूसिव होते हैं. तो मान लीजिए अगर मेरी क्लासेस आज के दिन प्री बुकिंग ऑफर चल रहा है 6,000 रुपए की है, तो ये 6,000 आपका 18% जीएसटी इंक्लूडेड है. तो मतलब क्लासेस का जो प्राइस है वो तकरीबन 5,000 ही है अभी. ये बात हो गई. आप कहां कहां से लेक्चर खरीद सकते हो? सर वी स्मार्ट एकेडमी की वेबसाइट से खरीद सकते हो. ये एक्सेल शीट मैंने जो बनाई है ये, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे सारे लिंक काम करेंगे. तो ये वी स्मार्ट एकेडमी का लिंक दिया हुआ है, कपिल गोयल क्लासेस से ले सकते हो या ये किसी भी सेंटर से. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने नियर बाय किसी भी सेंटर से क्लासेस ले सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं होता सेंटर कहाँ है. तो मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया, इस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे सभी सेंटर के एड्रेसेस आ जाएंगे. आपकी जो भी सिटी है सिटी को सेलेक्ट करना, आपको पता चल जाएगा वहां पे वी स्मार्ट का सेंटर है या नहीं. तो यहाँ पे पूरी मैंने जहां से सेंटर की आप लिस्टिंग देख सकते हो वो मैंने आपको बता दिया. तो ये तो था बेटा लेक्चर्स के बारे में अभी मोटा मोटा. उसके बाद अमेंडमेंट्स, सबसे मेन बात है आती है अमेंडमेंट्स की. देखिए जब भी आईसीआई की आरटीपी, उस आरटीपी के तकरीबन 10 या 12 दिन के अंदर अंदर आपको अमेंडमेंट जो है वो यूट्यूब पे मिल जाती है. 2 यूट्यूब चैनल है हमारे, सीए कपिल गोयल और वी स्मार्ट एकेडमी. जैसे अभी आरटीपी आई थी तो उसकी सारी अमेंडमेंट ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं अमेंडमेंट डालता हूँ. प्रॉपर आपको एक प्लेलिस्ट मिलती है अमेंडमेंट के नाम से, वहां पे होती है. मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ ताकि आपको कंफर्ट भी आता जाए. जैसे ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो मैंने आपकी स्क्रीन पे दिखाया है, इस YouTube चैनल पे ये मैंने प्लेलिस्ट सेक्शन ओपन किया है. तो आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो क्या क्या आ रहा है, प्लेलिस्ट में देखिए क्या क्या आ रहा है. टेस्ट सीरीज, जनरल सीए कोर्स, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, आईपीसीसी, मोटिवेशनल टॉक, क्वेश्चन बैंक, सीए फाइनल का क्वेश्चन बैंक मैं बोल रहा था ना जो यूट्यूब पे होगा, देखो ये रहा. एमसीक्यू बुक, आईपीसीसी के एमसीक्यू, सीए फाइनल के डेमो लेक्चर्स, ऑडिट अमेंडमेंट फॉर इंटर एंड फाइनल. आई थिंक आप ये देख पा रहे हैं तो मुझे बताइए
क्या आप ये वाली प्लेलिस्ट देख पा रहे हैं, ये वाली प्लेलिस्ट देख पा रहे हैं, ऑडिट अमेंडमेंट फॉर फाइनल एंड इंटर, तो इसको मैं अपडेट करता रहता हूं। जैसे मैंने अभी इसको प्ले किया तो आप यहां देख रहे हैं लेक्चर वन फॉर मे 20 अमेंडमेंट्स, जो बच्चों ने पहले लिए होंगे तो मे 20 के अमेंडमेंट, नीचे नवंबर 19 के अमेंडमेंट लगी है। तो जैसे ही आप अगर कोई लेक्चर लेते हो और अमेंडमेंट आती है तो यहां पर प्लेलिस्ट में आपको सारी अमेंडमेंट्स मिल जाएगी, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ अमेंडमेंट हम वहां भी डाल देते हैं जहां से आप वी स्मार्ट की वेबसाइट से लेक्चर डाउनलोड करते हो, उस पर भी मैं अभी आऊंगा। तो अमेंडमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल होती है, फ्री अवेलेबल होती है, कोई भी बच्चा देख सकता है, अमेंडमेंट में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कंसेप्ट रिलेटेड क्वेरी। काफी बच्चे होते हैं, सर अगर मेरे को मान लो पढ़ाई के दौरान अगर कोई क्वेरी आती है तो मैं क्या करूंगा। बेटा आपको स्पेशल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया जाता है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 7887-7887-04। ये नंबर ऐसा है जिसपे आप कभी भी अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं और मैं आपको विद इन 24 आवर्स मैं आपको इस नंबर पर 7887-7887-04 आप इस पे अपनी क्वेरी डालना और मैं आपको विद इन 24 आवर रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको लगता है नहीं भाई मुझे सर से बात करनी है, कुछ अर्जेंट है, सर से पानी ऊपर चला गया है, कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, हमारी सर्विसेज में बहुत कमी है, तो ये मेरा पर्सनल नंबर है 9599054350। कभी भी ऐसी नौबत ही मत आने देना कि आप इरिटेट हो जाओ, फ्रस्ट्रेट हो जाओ। ऐसी नौबत आने से पहले मुझे फोन कर लेना, क्योंकि अगर आप नौबत पूरा पानी सर से ऊपर जा चुका होगा तब आप मुझे फोन करोगे तो हो सकता है मैं ही आपको डांट दूं कि आपने टाइम से फोन क्यों नहीं किया। तो जब आपको ऐसा लगे कि सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे हैं तो अपने भाई को फोन कर लेना, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। और डायरेक्ट फोन कर लेना, कोई व्हाट्सएप वगैरह पे फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। क्वेरी है तो पहले उस पर डाल सकते हो 7887 पे, बट अगर कोई पर्सनल दिक्कत आ रही है, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस पर डायरेक्ट फोन कर लेना, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई आईटी हेल्प चाहिए, जैसे कि आपने लेक्चर चलाए, कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ गई, सीरियल की में कोई दिक्कत आ गई, या किसी भी चीज में आपको आईटी हेल्प चाहिए, तो वी स्मार्ट की वेबसाइट है ithelp@vsmartacademy.com। एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप ईमेल करते हैं भाइयों, इतना तो कम से कम फर्ज बनता है आपका भी कि एटलीस्ट 24 आवर्स तक वेट करें, फोन ना करें। बच्चे क्या करते हैं, ईमेल ठोकी, हाँ भाई सामने वाला बंदा तो खाली बैठा है हमारे लिए, एक घंटा हो गया यार फोन नहीं आया, वी स्मार्ट के फोन पे फोन कर करके खुद फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो जाता है, अरे भैया कोई फोन नहीं उठाता। थोड़ा प्रोफेशनल जजमेंट आपको फॉलो करना है कि वी स्मार्ट तकरीबन एक अटेम्प्ट में 20,000-30,000 स्टूडेंट्स को सर्विसेज देता है, और अगर आपकी तरह कोई बिहेव करने लगेगा तो बेटा फिर सर्विस नहीं मिल पाएगी। तो प्रोफेशनली आपको काम करना है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप ईमेल करो एंड वेट एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स। नहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो आप मेरे तक आओ ना, कोई दिक्कत नहीं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। उसके बाद आता है कोई एडमिन रिलेटेड, अगर आपको कोई बातचीत करनी है तो contact@vsmartacademy.com आप यहां भी कर सकते हो। लेक्चर लेने से पहले मैं जरूर कहूंगा कि आप 3 लेक्चर जरूर देखें। यहाँ पे 1 के बाद 2A और 2B है, 3A और 3B है। सर ये क्या लॉजिक है, 3A और 3B, 4A and 4B, 5A and 5B, 6B एंड ये B वाला क्या लॉजिक है, सुनिएगा ध्यान से, ये आपके लिए बनाया है मैंने। जो B सीरीज है वो क्वेश्चन बैंक है। इसका मतलब अगर मान लीजिए आपके पास 2.5 घंटे हैं तो आप सिर्फ 7A, 8A, 10A लेक्चर देख लो, इसका मतलब आपने कंसेप्ट पूरा देख लिया। अब वो जो बी लेक्चर है वो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक की सेम वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि आप साथ साथ बी लेक्चर भी देखो ताकि आपका क्वेश्चन बैंक भी खत्म हो जाए। लेकिन मान लो आप नहीं देखना चाहते उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आप उस बी को सेव करके रख सकते हो, बाद में भी देख सकते हो, या फिर वो यूट्यूब से भी देख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे मैं पूरा क्वेश्चन बैंक डालने वाला हूं। तो आपके लिए आसान करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर मैं लेक्चर ओपन करता हूं और दिखे 3.5 घंटे का लेक्चर तो पसीना आ जाता है, लेकिन उस 3.5 घंटे में मान लो 40 मिनट क्वेश्चन बैंक के हैं और अगर वो हटा दूं तो 2 घंटे 50 मिनट हो जाता है। तो 2 घंटे 50 मिनट कंसेप्ट, मतलब एक दिल को तसल्ली मिलेगी यार चलो 2.5 घंटे लगाने हैं या 2 घंटे 50 मिनट लगाने हैं। तो ये मैंने ए बी इस तरह से ए और बी सीरीज बनाई है, बी सीरीज के अंदर आपका क्वेश्चन बैंक रहेगा, ठीक है। एक बच्चा वैलिडिटी पे क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, देखो ये रहा, वैलिडिटी 6 मंथ की थी तो इसीलिए बोल रहा था, ध्यान से सुनो, ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, 6 मंथ की वैलिडिटी है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन। तो यहाँ पे कंसेप्ट रिलेटेड क्वेरी के लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया, जिंदगी में कोई दिक्कत आए उसके लिए पर्सनल नंबर दे दिया, आईटी कोई इश्यूज आए तो आईटी हेल्प,
और अगर कोई दूसरे इश्यूज आए तो दूसरे। उसके अलावा तीन डेमो वीडियो जरूर देखना, मेरा क्या तरीका है पढ़ाने का, आपको समझ आता है तभी आप लीजिएगा, अदरवाइज नहीं। उसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल मैंने बना रखा है, ऑडिट विद कपिल, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल भी दिखा देता हूँ। ये है वो टेलीग्राम चैनल, आई थिंक आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो क्या, ये टेलीग्राम चैनल है ऑडिट विद कपिल। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे अपडेट्स लेकर आता आता रहता हूँ डेली बेसिस पे, कुछ ना कुछ अच्छी बातें डालता रहता हूँ। यहाँ पे कोई भी बच्चा आपको परेशान नहीं करेगा, इवन किसी चीज का जब टाइम खत्म हो जाता है मैं उसको यहाँ से डिलीट भी कर देता हूँ। सबसे मजे की बात क्या होती है, जैसे मान लो आपने मेरे लेक्चर लिए, लेक्चर लेने के बाद आपको सॉफ्ट कॉपी में बुक नहीं मिल रही, आप वेबसाइट पे ढूंढ रहे हो नहीं मिल रही, आपको मेरे हैंडमेड चार्ट्स नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ऊपर आओ, एक ही जगह पे आपको सब मिलेगा। देखो चार्ट को नंबर दे रखे हैं, चार्ट नंबर 1, चार्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 20 21 22 23 24, रुक जाओ 35, टंटना 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 43, उसके बाद ऑडिट कमेटी पूरा अमेंडमेंट कारो 2020। तो सीए फाइनल की कंप्लीट मॉड्यूल 1, अभी मैंने कहा था ना मॉड्यूल 1 पूरा पीडीएफ में अवेलेबल है, पूरा पीडीएफ में आपके लिए मॉड्यूल 1 अवेलेबल है, तो आप 12 लेक्चर दिल खोल के देख सकते हो। मॉड्यूल 2 मैं चेंज भी कर रहा हूँ, वैसे कलरफुल बना रहा हूँ बहुत बढ़िया, क्योंकि अब क्या है एमसीक्यू को, अब केस बेस एमसीक्यू आ गए हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, एक बात बोलने वाला हूँ, अब केस बेस एमसीक्यूज आ गए हैं, तो जितना डिटेल में अभी तक हम पढ़ते थे अब हमें उससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। तो अब आईसीए स्टडी मटेरियल की समझ लो मैं 100% कवरेज ही करवाने वाला हूँ मेरे इस वाले बैच के अंदर, 100%, मतलब जितना आईसीए ने लिखा है उतना ही मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब वो जमाना चला गया जब एबीसीडी याद कर लिया और पेपर में आ गया और लिख दिया एबीसीडी। अब भैया बहुत ज्यादा लिंकिंग है, आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो इस टेलीग्राम चैनल का भी मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद सबसे मेन बात कि लेक्चर मान लो आप वी स्मार्ट की वेबसाइट से परचेज कर लेते हो, तो आपको लेक्चर डाउनलोड कहाँ से करने हैं बेटा, एक बात ध्यान देना मेरी, ध्यान से सुनना, आप लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हो एज एन वेन यू परचेज दी लेक्चर, आपको सीरियल की वगैरह का वेट नहीं करना होता। तो ये लिंक दिया है मैंने इसी पीडीएफ में, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे आप सीधा उस लिंक पे चले जाओगे जहां से आप लेक्चर डाउनलोड करते हो। सर करके दिखाओ ना, ये लो भैया ये करके दिखा देते हैं, तुम तो यार भावुक हो जाते हो। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, ये नई विंडो ओपन हो गई, ठीक है, उस लिंक पे मैंने क्लिक किया, नई विंडो ओपन हो गई। तो अगर कोई बच्चा मई 20 के लिए पेपर दे रहा है, मई 20 मतलब जून में, तो वो सारे लेक्चर यहां से डाउनलोड कर सकता है। देखो सारे लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, रिवीजन लेक्चर भी अवेलेबल है फ्री, ये सारे डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि मेरे लास्ट बैच के लेक्चर हैं। लेकिन सर मैं तो नवंबर के लिए दे रहा हूँ, मैं नवंबर 20 या मई 21, नवंबर 21 उसके आगे वाले, तो आपको फिर यहाँ पे जाना है ऑनलाइन डाउनलोड। यहाँ जाओगे तो ये क्या है बेटा, ये आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है वी स्मार्ट प्लेयर, अगर आप लैपटॉप में चलाना चाहते हो तो आपको यहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, डेस्कटॉप में चलाना चाहते हो यहाँ से, एंड्रॉयड में चलाना चाहते हो यहाँ से। उसके बाद लेक्चर वाइज शेड्यूल, किस लेक्चर में क्या कवर होगा वो यहाँ से डाउनलोड करोगे। और ओपन लेक्चर, तीन लेक्चर जो मैंने आपको डेमो दिए हैं वो ओपन ही रहे, इनक्रिप्टेड लेक्चर अभी आ जाएंगे। वैसे तो हमने 20 अप्रैल डेट रखी है, लेकिन जो हमारे 7 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं वो अभी 1-2 दिन में यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, और बाकी सारे नोट्स, डिजिटल नोट्स वगैरह सब कुछ इस टैब में आ जाएगा। तो ये था हमारा कि आपको लेक्चर कैसे डाउनलोड करने हैं। बच्चे की एक दोबारा इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है, सर हाउ टू प्ले लेक्चर्स, हाउ टू गेट सीरियल की, जो लेक्चर जिससे प्ले होंगे और अदर सपोर्ट, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दिया है, तो आप यूट्यूब पे जाएंगे और वो वीडियो हर प्लेलिस्ट में भी लगी हुई है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये क्या करेगा, मुझे यूट्यूब पे ले जाएगा, यूट्यूब पे आप जाओगे, इवन आप किसी भी प्लेलिस्ट में चले जाओ, सही बताऊं तो मैं, आप किसी भी प्लेलिस्ट में जाओगे आपको सबसे आखिरी वीडियो वही मिलेगी, हाउ टू गेट लेक्चर सीरियल की। कितने मिनट की वीडियो है, 23 मिनट की। हर प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो लगा दी है और इसका लिंक यहाँ पे है, जिससे आपको पता चल जाएगा सीरियल की कैसे जनरेट करते हैं। आपको सीरियल की ईमेल पे भी आएगी, मैसेज पे लिंक भी आएगा, और ना भी आए तो आप खुद भी अपनी सीरियल की निकाल सकते हो, आप खुद भी अपनी सीरियल की निकाल सकते हो वी स्मार्ट से। तो ये तो था मैंने कोर्स के बारे में सब बताया, अब एक बार वेबसाइट पे चलते हैं, वी स्मार्ट की वेबसाइट को डिटेल में दिखा देता हूँ कि कैसे लेक्चर डाउनलोड करने हैं, कैसे बाय करने हैं, कहाँ से क्या मिलता है, एक्टिवेशन की कहाँ से मिलती है, वो सारी चीजें अपन डिस्कस कर लेते हैं।
हाँ, ये पूरी एक्सेल शीट आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, वी स्मार्ट अकेडमी की वेबसाइट पे जाना है। आप वी स्मार्ट की वेबसाइट पे आए, मैं पीडी कोर्स में आऊंगा, ठीक है। पीडी कोर्स में सीए कोर्स, सीए फाइनल कोर्स, हिंदी इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश वाले की भी बात करूंगा। हिंदी इंग्लिश पे आया मैं नीचे आऊंगा, तो मैंने सीए फाइनल ऑडिट रेगुलर कोर्स का ये रहा मेरा कोर्स। मैं आपको एक और बात बताऊंगा, वो अभी थोड़ी देर रुक कर मिक्स नहीं कर रहा क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो ये मेरा सीए फाइनल रेगुलर कोर्स है, इसकी व्यू डिटेल पे क्लिक करना। कर दिया सर, व्यू डिटेल पे क्लिक कर दिया, तो रुको एक मिनट। जैसे ही मैंने क्लिक किया, मैं पूरा आपके लिए रीड कर रहा हूँ, हालांकि आपको भी करना है। पेपर नंबर 3 सीए फाइनल ऑडिट वीडियो लेक्चर रेगुलर इन डेप्थ कोर्स है ये, पूरा प्रैक्टिकल लाइफ, पूरा स्टडी मटेरियल हिंदी इंग्लिश बाय सीए कपिल गोयल। ये मेरी नई रिकॉर्डिंग है, और मैं तो बोल रहा हूँ ये फेस टू फेस स्टूडियो रिकॉर्डिंग होगी। ऑनलाइन डाउनलोड 20th अप्रैल से मिलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 15th अप्रैल तक आपको 7-8-10 लेक्चर मिल जाएंगे क्योंकि रेडी है। और 30 अप्रैल तक आपको पीडी मिलेगी यदि लॉकडाउन ओपन हो गया तो। उसके बाद क्या कहता है ये, सीए फाइनल रेगुलर ऑडिट इन डेप्थ 15 अप्रैल दोबारा से, ये 100% कोर्स की कवरेज होगी, तकरीबन 130 आवर्स रहेगा। मई और नवंबर 21 के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन आपको एक दो अमेंडमेंट वाली वीडियो देखनी पड़ सकती है। ओल्ड कोर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, 2-3 वीडियोस आपको यूट्यूब पे देखनी पड़ेगी, या इसको दूसरी भाषा में बोलूं तो एक आध छोटा छोटा चैप्टर आपको सेल्फ भी करना पड़ सकता है। लॉकडाउन में मैं आपको हर बच्चे को बोलना चाहता हूं कि आप सिर्फ ऑनलाइन डाउनलोड मोड खरीदें, अभी पेनड्राइव ना खरीदें तो अच्छा है। पेनड्राइव आप तभी खरीदें जब लॉकडाउन ओपन हो जाए, क्योंकि अगर आप पेनड्राइव खरीदते हो तो इसका मतलब आप लेक्चर देख ही नहीं सकते जब तक लॉकडाउन ओपन ना हो। उसके बाद हार्ड कॉपी ऑफ मटेरियल आपको डिस्पैच कर दी जाएगी जैसे ही कुरियर सर्विस अवेलेबल होगी। जो क्लासेस है वो आपके लैपटॉप में भी चलेगी, डेस्कटॉप में भी चलेगी, और आप लैपटॉप डेस्कटॉप में डिजिटल नोट्स भी चला सकते हो, मतलब स्क्रीन के साइड में डिजिटल नोट्स, एक आधे स्क्रीन पे लेक्चर चल रहा है, आधे स्क्रीन पे नोट्स। उसके बाद हार्ड कॉपी तो मिलेगी मिलेगी, डिजिटल नोट्स के साथ साथ मैंने ओपन पीडीएफ भी दे दी, टेलीग्राम से निकाल लो। तो डिजिटल नोट आपकी मर्जी, आप यूज करना चाहो ना करना चाहो। क्लासेस एंड्रॉइड में भी चलेगी, लेकिन ध्यान रखना एंड्रॉइड वालों, फिर से बोल रहा हूँ, डिजिटल नोट्स आपके लिए यूजलेस है, आपके काम नहीं आने वाले हैं। आप सिर्फ ओपन पीडीएफ यूज कर सकते हो जो टेलीग्राम पे है, और वो भी आप एक साथ नहीं देख सकते, आपको दूसरा डिवाइस यूज करना पड़ेगा। तो मतलब मोबाइल पे तभी लेक्चर खरीदने चाहिए, सिंपल बोलूं तो, जब आपके पास हार्ड कॉपी मटेरियल है। ध्यान से सुनना, मोबाइल में लेक्चर तभी देखने चाहिए जब आपके पास हार्ड कॉपी मटेरियल है, अदरवाइज आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। ये मैंने बता दिया। कोर्स का व्यू 1.5 टाइम्स है, मतलब डेढ़ गुना आप वीडियो को देख सकते हो, कितनी बार भी ओपन क्लोज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्टिवेशन। कोर्स इंट्रो जो अभी मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो यहाँ अटैच हो जाएगी, तो ये जो बना रहा हूँ यही अटैच होगी। डेमो वीडियोस देखना हो तो इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो, वही 3 वीडियोस आ जाएंगी। अगर आपको कोई हमारी ऑनलाइन पॉलिसी पढ़नी है, यहाँ से पढ़ लेना ताकि बाद में आपको दिक्कत ना आए। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परचेज टाइप। तो परचेज टाइप के नीचे ऑनलाइन डाउनलोड वीडियो प्लस डिजिटल नोट्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको। परचेज ऑनलाइन डाउनलोड के नीचे क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना, ये वही विंडो आ जाएगी जो मैंने वहां लिंक दिया एक्सेल शीट में। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप इन अभी मैं मई वाला दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पूरा अपडेटेड है, नवंबर वाले बच्चे इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे ना, आप यहाँ से सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो, मतलब लेक्चर खरीदे नहीं हो डाउनलोड कर लो। हाँ, लेक्चर चलाने के लिए आपको सीरियल की चाहिए कि उसके लिए आपको लेक्चर खरीदने पड़ेंगे, तो डाउनलोड तो कोई भी करके रख सकता है क्योंकि सिर्फ फाइल है, बल्कि आपके किसी दोस्त ने डाउनलोड कर रखे हो तो आप उससे भी ले सकते हो। तो देखो क्या क्या डाउनलोड करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप ये पीडीएफ जो दिख रही है ना, ओपन पीडीएफ मॉड्यूल 1, वो यहां से डाउनलोड कर सकते हो। और एक ये टेक्निकल सपोर्ट कि भैया इंक्रिप्शन कैसे चलेगा, सीरियल की कैसे, वैसे मैंने एक वो वीडियो बना दिया, उसका लिंक आपको मैंने एक्सेल शीट में दे दिया, उसमें मेरी वीडियो के अंदर 23 मिनट में आपको सब समझ आ जाएगा, तो वो देख लेना। एक आपको वी स्मार्ट प्लेयर डाउनलोड करना है। अब ये नीचे 3 वी स्मार्ट प्लेयर है, तो कौन सा डाउनलोड करें, लैपटॉप में देखना है तो ये करो, डेस्कटॉप में देखना है तो ये करो, और एंड्रॉइड में देखना है तो ये करो। तो वी स्मार्ट प्लेयर आपको डाउनलोड करना है। लेक्चर वाइज शेड्यूल आपको मिलेगा जब सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे, मतलब एटलीस्ट 20 लेक्चर खत्म हो जाएंगे, तब मैं बता दूंगा किस लेक्चर में क्या क्या कवर है, तो वो पीडीएफ यहां से कर लेना, ठीक है, डाउनलोड। और कुछ ओपन लेक्चर्स अगर मेरे रहेंगे 3, तो वो यहां पे मिलेंगे आपको। फिर नीचे इनक्रिप्टेड लेक्चर यहां जाएंगे, क्लिक करते रहो, डाउनलोड करते रहो, क्लिक मारो डाउनलोड मारो, क्लिक मारो डाउनलोड मारो। एक लेक्चर तकरीबन 400 से 500 MB का होता है, 400 से 500 या 600 MB का एक लेक्चर होता है, ठीक है। तो जियो पे जो तुम टाइम वेस्ट करते हो इधर उधर, वहां से लेक्चर डाउनलोड कर सकते हो वो टाइम बचाकर। उसके बाद डिजिटल नोट्स, डिजिटल नोट्स कैसे चलेंगे आपके कंप्यूटर पे वो दिया हुआ है, प्रॉपर प्रोसीजर।
सॉफ्टवेयर एक डाउनलोड करना पड़ेगा आपको अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, और ये डिजिटल नोट्स, मेरी सारी बुक, सारी किताबें डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे है। तो बेसिकली इसी एक लिंक से ऑनलाइन डाउनलोड आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। अभी भी कोई कसर रह गई हो, ना समझ आया हो, कोई बात नहीं, जो मेरी 23 मिनट की जो वीडियो है ना, मैंने अभी आपको यूट्यूब पे दिखाई थी, उसका लिंक ये रहा, हाउ टू प्ले लेक्चर्स, ये वाली वीडियो देख लेना, आपकी सारी क्वेरी रिजोल्व हो जाएगी। 23 मिनट में मैंने बहुत अच्छे से सब समझा दिया है। ठीक है जी, अपन चलते हैं वापस से वेबसाइट पे। पीडीएफ नोट फर्स्ट मॉड्यूल के दोबारा से यहाँ पे लिंक दे दिया, आप डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे परचेज कैसे करना है भाई, मैं कहता हूँ सभी बच्चे ऑनलाइन डाउनलोड खरीदेंगे तो ऑनलाइन डाउनलोड 20 अप्रैल से, अभी 3000 का प्री बुकिंग ऑफर चल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से 30 अप्रैल या 15 मई, जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा मैं प्री बुकिंग बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे 20 अप्रैल चल रहा है, 20 अप्रैल ऑनलाइन डाउनलोड। एग्जाम का अटेम्प्ट, मान लीजिए मेरा अटेम्प्ट है नवंबर 20 या मई 21 है मान लो, तो मई 21 मैंने एग्जाम अटेम्प्ट सेलेक्ट किया। उसके बाद ये डिलीवरी के ऑप्शन से पढ़ लेना एक बार। शिपिंग ऑप्शन, तो भैया अभी तो किताब आनी नहीं है, तो हम, और मेरे मान लो मैं दिल्ली में रहता हूँ या कहीं भी रहता हूँ, मैं रहता हूँ पुणे में, तो मैं पुणे के ऑफिस से पिकअप कर लूँगा, बिना वजह 200-300 रुपये क्यों खर्च करें डिलीवरी पे। ठीक है जी, कोई एडिशनल ऑफर है क्या? यस, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो आपके लिए 3000 प्री बुकिंग ऑफर है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी किसी से कोचिंग ले रखी है या आप एक आध बार फेल हो चुके हो तो आप 3500 रुपीज सेलेक्ट कर सकते हो एज ए रिपीटर स्टूडेंट। रिपीटर स्टूडेंट में ध्यान रखना, हमारी टीम जब आपको फोन करेगी तब आपको अपना कोई एक या तो सर्टिफिकेट, एग्जाम का रिजल्ट या पीछे अटेम्प्ट का कोई भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा, जिससे आप 500 रुपए एडिशनल क्लेम कर सकते हो। मैं मान के चलता हूं मैं एक नया स्टूडेंट हूं, मैं 3000 का प्री बुकिंग ऑफर लेता हूं। अगर कोई बच्चा वी स्मार्ट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहे तो वो ये, तो अभी आप, मेरे को लगता है 1.5 साल बाद पेपर है, तो अभी आप नहीं करोगे तो आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन। 5999 में आपको लेक्चर मिल जाते हैं, आप आराम से इसको चेकआउट कर सकते हो, लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा अगर कोई क्वेरी अभी रह गई है आपकी तो वो मुझसे पूछो, मैं आपको रिप्लाई करता हूं, ताकि ये वीडियो जो भी बच्चा देख रहा है उसके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो हो सके ये। और ये पूरी एक्सेल शीट मैं आपको टेलीग्राम पे देने वाला हूँ, ऑडिट विद कपिल। अब मैं आपकी चैट देख रहा हूँ, अभी तक मैं चैट नहीं देख रहा था। अब मैं बात कर लेता हूँ इंग्लिश स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज वाले बच्चों के लिए जिनको हिंदी नहीं समझ आती, तो उनके लिए तो इंग्लिश में ही बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हु आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज, आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए सीरीज ऑन यूट्यूब ऑन विच आई विल डिस्कस ऑल द लेक्चर्स। अप्रोक्सीमेटली 50-60% कोर्स आई एम गोइंग टू कवर ऑन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम साउथ इंडिया और मे बी फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडिया हु आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज और मे बी दे आर they have little bit base of English language other than their mother tongue, they can join those live session on YouTube. So please be connected on YouTube. I will very soon announce a time, maybe that time will be around 2 p.m. or 3 p.m. on the regular basis. On that we'll start our regular course in English free of cost for all over India or maybe the world students, because English language is accepted at all over world. So an audit concept are same all over the world. So these lectures will be very useful for every student who are doing CA, CPA, ACCA or others course. So these lectures will be started maybe in another 2 or 3 days. Just give me some time, we'll start a very fresh series of English lectures on YouTube. अब बात करते हैं, एक बच्चे ने बहुत ही बढ़िया चीज पूछा, सर कॉम्बो ऑफर के बारे में बता दो। सर बेटा अगर आप कॉम्बो ऑफर लेते हो सीए फाइनल रेगुलर लो एंड ऑडिट का, दर्शन खरे सर के लो और मेरा लेते हो, तो आप तकरीबन 30-40% आप अपना पैसा बचा सकते हो। बताता हूँ कैसे। मेरा कोर्स में अभी प्री बुकिंग चल रहा है, जब ये बंद हो जाएगा तो ये 9000 का कोर्स हो जाएगा बहुत ही जल्दी, मतलब तकरीबन 15 मई से आप मान के चलो कि प्री बुकिंग ऑफर बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अभी मान के चलूं सर कितने का है कॉम्बो दर्शन खरे सर का और आपका, तो उसका डिस्कशन कर लेते हैं कि कॉम्बो कितने का है। यहां पे मुझे दिख क्यों नहीं रहा, दिखेगा दिखेगा दिखेगा, है डीटी आईटी एफआर ऑडिट इकोनॉमिक लो जीएसटी फास्ट ट्रैक बूस्टर फास्ट ट्रैक। कोई बात नहीं बेटा, टेलीग्राम पे लिंक है वहां से निकाल लेता हूं मैं, मुझे नहीं पता फेस पे क्यों नहीं आ रहा, मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा आज ही कि फेस पे क्यों नहीं दिख रहा। अगर किसी बच्चे को कॉम्बो लेना है तो वो कैसे लेगा, कोई बात नहीं, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने हर प्रोडक्ट का या हर क्लासेस का लिंक शेयर किया हुआ है, तो वहां से अपन निकाल लेते हैं अभी के लिए ना। ये रहा,
सीए फाइनल कॉम्बो रेगुलर कोर्स, आप अगर देख पा रहे हैं तो ये रहा, देखिए आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, ये टेलीग्राम से मैंने लिस्टिंग निकाली है। तो यहां पर आपको 12,999 मतलब अप्रोक्स 13,000 रुपीज में दोनों कोर्स मिल जाते हैं, ऑडिट भी लो भी और वो भी रेगुलर कोर्स। जैसे ही मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ, तब से अभी लिंक काम नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट अब वेबसाइट पे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये तो आ गया, ये तो आ गया। तो ये कोर्स कहाँ है, दिखा क्यों नहीं, आउट ऑफ स्टॉक। ये आउट ऑफ स्टॉक है, शायद इसलिए आउट ऑफ स्टॉक है क्योंकि अभी हमारे दोनों के रेगुलर कोर्स नए बन रहे हैं, और इसीलिए शायद मैनेजमेंट ने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया होगा कि एक बार जब कोर्स लॉन्च हो जाएगा, दोनों कोर्स के ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे, तब ये कोर्स इन स्टॉक हो जाएगा। और ये कोर्स जो आपको मिलेगा ये तकरीबन 13,000 का मिलेगा, और आज ही मैं इसके लिए वैसे मैनेजमेंट से बात भी करूंगा कि इसको अब ओपन किया जाए, क्योंकि लो का रेगुलर कोर्स भी मेरे हिसाब से एक दो दिन में आपके लिए आने वाला है, या हो सकता है आ भी चुका हो। देखें क्या लो का रेगुलर कोर्स अवेलेबल हो गया है क्या, या स्टिल इट्स आउट ऑफ स्टॉक। देख लेते हैं एक बार लो का रेगुलर कोर्स कहाँ है, ये रहा रेगुलर कोर्स इकोनॉमिक लो, हमें तो पूरा चाहिए यार, इकोनॉमिक लो एंड कंपनी लो, ये रहा। इस कोर्स को देखते हैं आउट ऑफ स्टॉक है या इन स्टॉक है। बेटा ये अवेलेबल है तो मैं आज ही इसको ओपन करवा देता हूँ मैनेजमेंट से बात करके, मुझे तो पता भी नहीं चला था वो कब आउट ऑफ स्टॉक हो गया, आज ही इसको ओपन करवा देते हैं। तो आप 12 से 13 हजार रुपए में आप ऑडिट और लो दोनों क्लासेस ले सकते हो। अगली क्वेरी बताइए, डिजिटल बेस भी बताओ डेमो देकर, एक बार डिजिटल नोट्स का डेमो देकर बताना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब आप अपने लेक्चर को ऑनलाइन डाउनलोड करोगे, जब आप अपने लेक्चर को ऑनलाइन डाउनलोड करोगे तो ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ध्यान से सुनना। उसके बाद हालांकि ऑडिट में आपको डिजिटल नोट्स मेरे हिसाब से नौबत नहीं आएगी देखने की, लेकिन फिर भी सबसे पहले क्या करना है, नीचे एक सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, उसका नाम भी दिया हुआ है बकायदा। देखो दो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, CKR9J2 JLK docview.exe। तो सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखी है, डियर स्टूडेंट यू हैव टू कॉपी सॉफ्टवेयर फाइल GKR9J2 जो कि नीचे है, और docview टू योर एग्जिस्टिंग कंटेंट ब्राउजर फोल्डर। कंटेंट ब्राउजर जब आप लेक्चर डाउनलोड करोगे तब वो जो सॉफ्टवेयर था उसमें आपको कॉपी पेस्ट करना है। इफ यू गेट एन एरर मैसेज टू रिप्लेस द फाइल देन क्लिक येस टू रिप्लेस द फाइल। आपको एक एरर मैसेज आ सकता है कि रिप्लेस द फाइल, तो आपको येस कर देना है, हाँ जी रिप्लेस करो। कॉपी द डिजिटल नोट चैप्टर फाइल्स टू कंटेंट ब्राउजर फोल्डर, आपको नीचे जो ये दिया हुआ है ना, नीचे आपको डिजिटल नोट्स दिए होंगे, कहाँ है डिजिटल नोट्स, एक सेकेंड, डिजिटल नोट्स कहाँ है, ये रहे, ये डिजिटल नोट्स ही थे सॉरी। तो ये जितने भी नीचे डिजिटल नोट्स है इस पे आपको क्लिक करके सबको डाउनलोड कर लेना है, और इन सबको कंटेंट ब्राउजर के फोल्डर में कॉपी कर देना है, ठीक है। कॉपी द डिजिटल नोट्स फाउंड टू द कंटेंट ब्राउजर, वी सजेस्ट टू क्रिएट ए फोल्डर, आप उसके अंदर एक फोल्डर बना सकते हो नोट्स के नाम से, व्हेन कंटेंट ब्राउजर इज प्रेजेंट एंड कॉपी डिजिटल नोट्स फाइल टू दिस फोल्डर। तो ये तो इंस्ट्रक्शन थी, लेकिन भाई हमें तो नहीं समझ आया इंस्ट्रक्शन से, अब कोई दूसरा तरीका बताओ। कोई बात नहीं यार, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ, हमें नहीं समझ आती भाई लिखा क्या लिखा है, समझ आता तो फिर हम क्लास थोड़ी ना लेते, खुद ही पढ़ लेते। ये देखिए टेक्सपोर्ट एंड ट्यूटोरियल, यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक किया जी मैंने, क्लिक करने के बाद YouTube की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी सारी टेक्स्ट सपोर्ट की। आपको क्या चाहिए कि डिजिटल नोट्स कैसे प्ले करना है, तो देखो यहाँ कोई डिजिटल नोट्स की वीडियो है क्या, पहली वीडियो प्लान योर स्टडी हाउ टू गेट ऑनलाइन लेक्चर, ये तो मेरी ही है, हाउ टू एक्टिवेट एंड प्ले वीडियो क्लासेस विद डिजिटल नोट्स, ये रही, हाउ टू एक्टिवेट एंड प्ले वीडियो क्लासेस विद डिजिटल नोट्स, हाउ टू एक्टिवेट एंड प्ले क्लासेस इन एंड्रॉयड डिवाइसेज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले प्लेलिस्ट पे एंटर मारते ही आपको सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी, सारी वीडियोस आ जाएगी, और आपके हर क्वेरी का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको वी स्मार्ट में किसी को भी फोन करने की जरूरत नहीं है, और कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इवन मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने हमारे लेक्चर्स लिए हैं, उन्होंने आराम से इन वीडियोज को देख कर अपना काम कर लिया है, और दे आर इंजॉइंग द लेक्चर्स, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। विपुन बोल रहे हैं सर वीडियो 2A और 2B वाला कंसेप्ट उनको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू विपिन, ये आपकी मैडम का सुझाव था मेरे को, अग्रिमा मैडम जो हमारी वाइफ है, मेरी वाइफ है, तो उन्होंने कहा कि इसको आप एक ही लेक्चर में मत करो, क्योंकि अगर एज ए स्टूडेंट मैं सोचूं तो मेरे लिए बहुत लेंदी हो जाएगा लेक्चर, तो आप दो लेक्चर बनाओ, एक लेक्चर को दो पार्ट में डिवाइड करो, तो स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहेगा कि उसको कब क्या देखना है, तो ये उनका सुझाव था।
एक बच्चा कह रहा है जो सीए फाइनल का क्वेश्चन बैंक उम्मीद चल रहा है उसमें कितना टाइम लगेगा, अभी एमसीक्यू चल रहा है और धीरे धीरे उम्मीद भी आएगा, मैं कोई टाइम तो सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा। अब फटाफट से आप कोर्स रिलेटेड क्वेरी पूछो यार, ये यूट्यूब रिलेटेड क्वेरी मत पूछो प्लीज, कोर्स रिलेटेड क्वेरी पूछो, ताकि एक वीडियो, ये वाला एक वीडियो ऐसा बन जाए जिसमें बच्चे की हर क्वेरी कवर हो। माई अटेम्प्ट इज नवंबर 21, कैन आई डू ऑडिट एंड लोन नाउ? भाई ऑडिट का तो मैं येस बोल सकता हूँ, बट लो के लिए मुझे दर्शन सर से बात करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप दर्शन सर से कनेक्ट करो एक बार, और मैं भी पूछ के आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। सर फॉर नवंबर 21 कब लेना चाहिए? ऑडिट तो अभी आप ले सकते हो, क्योंकि ऑडिट में जो बना रहा हूँ अभी वो बेसिकली मैं नवंबर 20 के लिए बना रहा हूँ, तो उसके बाद अगर कोई में तो हार्डली 3 से 4 घंटे की अमेंडमेंट आएगी, तो आप नवंबर 21 के लिए ऑडिट तो अभी नए वाला कोर्स ले सकते हो। सर आई हैव टेकन योर कोर्स लास्ट ईयर इन जुलाई, सो हाउ कुड आई गेट अप अमेंडमेंट्स एंड ऑल? मिनी पूछ रही है कि उन्होंने मेरा पुराना कोर्स लिया था, बेटा सारी अमेंडमेंट्स यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है जो मैंने अभी इस वीडियो में आपको दिखाया था। तो मिनी का मैंने रिप्लाई कर दिया, अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेरी पोस्ट की हो जिसका मैंने रिप्लाई नहीं किया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब वो दोबारा से पोस्ट करें, क्योंकि अब मेरी बात खत्म हो गई है, मैं आपकी क्वेरीज लेने के लिए तैयार हूं। तो फटाफट से अपनी क्वेरी पोस्ट करो। सर एंड्रॉइड में जो कोर्स चलेगा वो परमानेंट के लिए है ना? परमानेंट मतलब बेटा परमानेंट ही है सारे कोर्स, आपकी क्वेरी नहीं समझ आई यार। एंड्रॉइड में जो कोर्स चलेगा वो परमानेंट के लिए है ना? हाँ, एंड्रॉइड में लोगे तो वो एंड्रॉइड में ही चलेगा, लैपटॉप में लोगे तो वो लैपटॉप में ही चलेगा, डेस्कटॉप में लोगे तो वो डेस्कटॉप में ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक कोर्स आप एंड्रॉइड में भी चला रहे हो लैपटॉप में भी चला रहे हो, ऐसा नहीं है, और चेंज भी नहीं। शुभम LIC की वीडियो आ जाएगी बेटा, मैं फिर भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ नई रिकॉर्डिंग के लिए आप क्वेरी पोस्ट करो, बाकी आप मेरे को, मैंने नंबर दिया, आप मेरे से फोन पे भी बात कर सकते हो। इफ आई वॉन्ट टू परचेज ऑडिट नाउ एंड आफ्टर दैट लो फॉर दर्शन सर लेक्चर नहीं मिले हैं और जो आपने यूट्यूब पर रखे हैं उसमें अपडेट है। दयाल ऑडिट रिपोर्ट के सारे लेक्चर मैंने कवर किए हैं। दया धवल बोल रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट का कोई लेक्चर मिसिंग है, आप मेरे को फोन करो, सब कुछ कवर है। और इवन मैंने तो आपको, अब तो आपको फास्ट ट्रैक का कोर्स भी फ्री दे दिया जो कि आपकी वीडियो के आखिरी में लगा हुआ है, उसमें भी कवर है। तो आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन है, आप मेरे को फोन कर सकते हो, अपन डिस्कस कर सकते हैं। और कोई क्वेरी आपकी किसी नए कोर्स से रिलेटेड तो आप मेरे को जरूर पूछिएगा प्लीज फटाफट से। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसको आंसर करने के लिए तैयार हूं बेटा, फटाफट से पूछिए, लेकिन क्योंकि मैं ये वीडियो 50 मिनट से ज्यादा का नहीं बना पाऊंगा। विल इंग्लिश क्लासेस बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर श्योर? यस शशांक, 100% यूट्यूब पे क्लासेस आएंगी, बट जून अटेम्प्ट के लिए शायद वेट मत करना, नवंबर अटेम्प्ट है आपका तभी आप वेट करना, जून के लिए नहीं आएंगी, क्योंकि स्टार्ट तो मैं भी कर दूंगा 2-3 दिन में, लेकिन वो मैं बाउंडेशन मैनर में नहीं करवाऊंगा कि भैया ठीक है मेरे को करवानी ही करवानी है, मैं अपना सारा काम। किसी तरह की आपकी कोई और क्वेरी, फालतू क्वेरी मैं नहीं ले रहा हूं, ओनली लेक्चर रिलेटेड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज पोस्ट इट, आई विल रिप्लाई, आई विल वेट फॉर मोर 6 मिनट्स। अगर आपकी कोई क्वेरी है लेक्चर रिलेटेड तो आप पोस्ट कीजिए, नए लेक्चर से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, उसके अलावा मैं अभी कोई भी क्वेरी रिस्पोंड नहीं करूंगा। थैंक यू शुभम, थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन बेटा फॉर वी स्मार्ट एकेडमी, थैंक्स अ लॉट। कर रहा हूं बेटा मैं, मेरा काम बस होने वाला है 2 मिनट में। सर यू लॉन्च न्यू बैच ऑल्सो फॉर फाइनल्स, इज देयर एनीथिंग एक्स्ट्रा अदर देन अमेंडमेंट्स फ्रॉम योर लास्ट रिकॉर्डिंग? यार अमेंडमेंट के अलावा बहुत कुछ एक्स्ट्रा है, अमेंडमेंट के अलावा बहुत कुछ एक्स्ट्रा है, काफ़ी कुछ मैं नए तरीके से करवाने वाला हूँ, तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा है। अगर आप लास्ट बैच की रिकॉर्डिंग के साथ कंपेयर कर रहे हो तो मैं आपको बिल्कुल फ्रेंकली बोलना चाहूँगा, डोंट बाय लास्ट अटेम्प्ट रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने बहुत कुछ चेंजेस किए हैं, बहुत कुछ नया लेकर आ रहा हूँ, काफ़ी कुछ करने वाला हूँ। तो बहुत कुछ चेंज है लास्ट बैच की रिकॉर्डिंग से, आप लास्ट बैच की रिकॉर्डिंग से प्लीज कंपेयर ना करें, बहुत डिफरेंट तरीके से इस बार मैं लेकर आने वाला हूं सीए फाइनल कोर्स को। क्लासेस सारी सीरियली मिलेगी आपको, क्लासेस पूरा सीरियली मिलेगी आपको, और उसके लिए आप क्लास का स्केड्यूल डाउनलोड कर सकते हो। मैंने पहले ही बोला था रजत, आई विल नॉट रिस्पोंड
any query other than course. So please don't post it. In this video, I will only respond to queries related to course, not other than that. Sakshi bhi faltu ki query pooch rahi hai jo mere course se related nahi hai. थैंक यू मेनी थैंक यू. तो आई थिंक किसी बच्चे को कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं है. मैंने मोर और लेस सब कवर कर लिया है. यहाँ पे मैं आखिरी में यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि एंड्रॉयड में अगर आप लेक्चर ले रहे हो तो सोच समझ कर लेना, क्योंकि आपके लिए टफ होने वाला है, क्योंकि डिजिटल नोट्स आप एंड्रॉयड पे नहीं प्ले कर सकते हो. तो आपको सिर्फ पीडीएफ भी सिर्फ एक ही चैप्टर की अवेलेबल, एक ही मॉड्यूल की अवेलेबल है. तो थोड़ा सोच समझ के आप एंड्रॉयड में लीजिएगा लेक्चर, और अगर आप ले रहे हैं तो फिर आपको हो सकता है 5-10 दिन बाद में वेट करना पड़ सके. एक बच्चा बोल रहा है आपने रिसेंटली मेरी क्लासेस बुक की है तो इनक्रिप्टेड वीडियोस अवेलेबल नहीं है नवंबर 20 वाले लिंक में. आ जाएंगी. हमने हालांकि 20th अप्रैल बोला है कि 20th अप्रैल से आपको न्यू वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं 6 और 7 लेक्चर वो बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ फेस टू फेस में. तो वो लेक्चर मैं वहां डलवा दूंगा, एक आज या कल में ही डलवा दूंगा. उसके आगे नहीं आएंगे लेक्चर 20 अप्रैल से पहले, ध्यान रखना. वो भी इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं. एक बच्चा पूछ रहा है कैन आई गेट द रेगुलर कोर्स इन इंग्लिश बोथ लो एंड ऑडिट. बेटा नॉट एट दिस मोमेंट. अभी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा इंग्लिश में लो ऑडिट का कोर्स, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा. मैं पहले यूट्यूब पे इसलिए डाल रहा हूँ ताकि बच्चों से एक बार फीडबैक और जो उनको लग रहा है वो सब ले लूं, और फिर उसके हिसाब से अपना कोर्स डिजाइन करूंगा इंग्लिश में. तो प्रोबेबली फॉर नवंबर अटेम्प्ट आई विल लॉन्च कोर्स इन इंग्लिश बाय द टाइम ऑफ जुलाई और अगस्त. तुषार वन डे रिविजन नहीं आएगा मेरा, वन डे रिविजन नहीं आएगा मेरा. गाइज आई हैव अनदर 3 मिनट्स टू रिप्लाई योर क्वेरीज, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे. और किसी बच्चे की देख लेता हूं ऊपर कोई क्वेरी हो. एंड्रॉइड में अमन अग्रवाल की एक क्वेरी थी, एंड्रॉइड में आप लेक्चर डाउनलोड करके रख सकते हो और बाद में प्ले कर सकते हो. आपको इंटरनेट की जरूरत बार बार नहीं होगी, एक करके रख लो बाद में आप प्ले कर सकते हो. तो ये एंड्रॉइड के लिए बच्चे की क्वेरी थी. और हाँ जी नवंबर 21 के लिए आप ले सकते हो. ऐसा नहीं है शुभम केसरी, आपको लगता है. आई थिंक मेरी ग्रोथ बहुत सही है एक साल में, जितना मुझे मिला है भगवान की दया से, तो मुझे ऐसा लगता है आई एम वेरी हैप्पी. बच्चों का बहुत प्यार मिला है. सर कैन आई गेट रेगुलर कोर्स इन लेक्चर बोथ लो एंड ऑडिट. वेंकटेश्वरा राव फॉर इंग्लिश यू हैव टू वेट एटलीस्ट 3 मंथ्स. फॉर इंग्लिश कंप्लीट रेगुलर कोर्स यू हैव टू वेट फॉर 3 मंथ्स. सर मैं जय सर का फास्ट ट्रैक क्लासेस लिया है, कैन आई अवेल 30? नो, दिस कॉम्बो इज अवेलेबल विद लो ओनली. लो एंड ऑडिट कॉम्बो अवेलेबल, नो अदर देन, नो अदर कॉम्बोज आर अवेलेबल. ओनली जो कॉम्बो अवेलेबल है वो लो एंड ऑडिट के लिए अवेलेबल है. और जो अभी 3,000 रुपीज का डिस्काउंट अवेलेबल है हर स्टूडेंट के लिए, हर स्टूडेंट के लिए 3,000 रुपीज का डिस्काउंट अवेलेबल है. इन 6,000 रुपीज यू कैन गेट ऑल दी लेक्चर्स. पूरा कोर्स 6,000 रुपीज में मिल जाएगा, रेगुलर कोर्स, बुक्स, और आपको रिविजन वीडियोज भी फ्री मिलने वाली है. तो आई थिंक जो 6,000 रुपीज है ये सबसे कम प्राइस है, क्योंकि इसमें 18% जीएसटी भी इंक्लूडेड है. तो तकरीबन 5,000 रुपीज में ही मैं आपको क्लासेस दे रहा हूँ, 5,000 रुपीज इंक्लूडिंग हार्ड कोर्स स्टडी मटीरियल एवरीथिंग रिविजन लेक्चर सब कुछ. फास्ट ट्रैक अवेलेबल है नवंबर 20 इंटर ऑडिट का, येस, बट दिस इज ए फाइनल वीडियो. तो फास्ट ट्रैक अवेलेबल है, आप स्मार्ट की वेबसाइट से ले सकते हो. हाँ जी ईश्वर की एक क्वेरी इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि वो काम मैं करने वाला हूं, तो आप वेट कर सकते हैं. ईश्वर जी आपकी क्वेरी बिल्कुल ठीक है, मैं अपडेट कर रहा हूं. चलिए गाइज ये वीडियो था पूरे सीए फाइनल कोर्स से रिलेटेड, अपडेटेड कोर्स से रिलेटेड. मेरी अपडेटेड वीडियोज आ चुकी हैं, डेमो वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, पीडीएफ जिसके अंदर आपको हर एक चीज का क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, सारे लिंक्स दिए गए हैं. ये आपको टेलीग्राम चैनल ऑडिट विद कपिल पर मिल जाएगा, इसको जरूर डाउनलोड करके रख लीजिएगा. फिर भी अगर आपकी कोई कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हो कोर्स से रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली है ना भाई मुझे ही फोन कर लो. इधर उधर भटकने से अच्छा है आप मुझे ही फोन कर लो. सिर्फ कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है तो 9599054350 अपनी क्वेरी